डोंट यू डेयर एवर टच मी अगेन, ये मैं भी कह सकती थी कि डोंट यू डेयर टच प्रतीक और निशान, जिन पे ये इतना आगे जाती है कि अगर इनके कोई इतना क्लोज आए शी वुड बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, सो वुड आई. सो मैं वो देख नहीं सकती थी कि किसी के साथ भी हो, पहले हो चुका था. सो निशान की मैं बीच में आ गई थी, धक्का लगा, बिग डील, वट एवर. सो ये तीन रीजन्स है मेरे कि आई वुड वॉन्ट शमिता टू नॉट बी हियर. आई डोंट नो वाई शी इज हियर फॉर अ सेकंड टाइम, बिकॉज मुझे लगा था जब मैंने सुना कि वो सेकंड में आई, मुझे लगा शी विल बी अ ग्रेट प्लेयर, या फिर मैं इनको देख के ऐसे कहूंगी लाइक वाओ दिस इज कंपटीशन. मुझे अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा है. बट आई मीन दैट इज समथिंग वी शुड नॉट गेट इनटू. बुलाया जाए विद रिस्पेक्ट, आएगा और परफॉर्म करेगा. एज फार एज जो पहला पॉइंट है, शी इज राइट कि मैं भागी चली आई बाहर, बिकॉज उसका नेहा के साथ कुछ हुआ था एंड आई ऑनेस्टली केम आउट टू डिफेंड माई फ्रेंड. जो मूस करती है, गलत हो सही हो, मूस आ जाती है वहाँ पे टू डिफेंड हर फ्रेंड ब्लाइंडली. वही मैंने किया नेहा के साथ, क्योंकि नेहा ने अंदर आके बहुत कुछ बोला था. यही मैं बोल रही हूँ, आई केम आउट टू डिफेंड माई फ्रेंड. एज फार एज कल का एपिसोड है हिना, वट एवर इट वॉज, I understand ke that's a terrible spot. Gali diye bagair the chow down, man. Okay, except having a nice dinner. I just said I was wait, will Mrs. Red have more eggs? Yeah, later. If they all